सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइडस चैनल को, उसके बाद जो बेल आइकॉन आएगा उसको भी दबा दीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं उशैल, तो फिर से और एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसे आप जो है आपकी यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग की कमेंट में स्लो मोड इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो स्लो मोड इनेबल करने की बात क्या होगा, आप जो है आपके हर सब्सक्राइबरों का क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो स्लो मोड कैसे इनेबल करना है आपका यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के जानने के लिए मेरा इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। ठीक है, तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसके लिए पहले आपको क्या करना है, आपने जो क्रोम ब्राउजर है उसको खोल लेना है। अगर आपके पास क्रोम ब्राउजर नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो फिलहाल मेरे पास तो क्रोम ब्राउजर है, तो मैं ऐसे मेरी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी यूट्यूब पर जाना है। तो मैं ऐसे मेरी यूट्यूब को खोल लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो क्रोम ब्राउजर है उसको डेस्कटॉप मोड कर लीजिए। तो मैं ऐसे डेस्कटॉप साइड में जाता हूँ। तो ये मेरा क्रोम ब्राउजर जो है डेस्कटॉप मोड हो चुका है। ठीक है, डेस्कटॉप मोड होने के बाद आपको जो है राइट साइड में ऊपर आपके चैनल का लोगो आपको दिखाई देगी। ठीक है, आपको सिंपली वहाँ पर टैप करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, आपको यहाँ पे जो है अपने चैनल का लोगो आपको दिखाई देगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, चैनल के लोगो के ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की ऑप्शन आएगी। तो आपको सिंपली ऐसे जाना होगा क्रिएटर स्टूडियो। तो क्रिएटर स्टूडियो पे जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन दिखाई देगी। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देगी। तो आपको सिंपली ऐसे जाना होगा लाइव स्ट्रीमिंग पे। तो लाइव स्ट्रीमिंग पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे नीचे जाना है। तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी लाइव चैट। ओके, लाइव चैट के साइड में देखिए राइट साइड में आपको एक सेटिंग की ऑप्शन दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है इनेबल स्लो मोड, ठीक है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइम सेट करने के लिए कहेगी। तो आपका व्यूज कितना होता है लाइव स्ट्रीमिंग पे वो देखिए आप यहाँ पे टाइम सेट कर दीजिए। कितनी टाइम बाद आपको हर पर्सन का कमेंट चाहिए, क्या है ना यूट्यूब पे कुछ ऐसा लोग होता है कि एक ही साथ दो तीन कमेंट छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर दीजिए कि इतनी टाइम के अंदर दूसरा कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे तो अभी फिलहाल 10 सेकंड सेट कर दिया, आप आपकी मर्जी से सेट कर दीजिए। तो सेट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीचे देखिए डन के एक ऑप्शन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको डन कर देना है। सो गैस, अभी आप जो है हर किसी के कमेंट का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो गैस, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसे आप जो है आपके लाइव स्ट्रीमिंग में कस्टम थंबनेल यूज़ कर सकते हो। अगर उस वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है गैस, तो गैस उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों की बहुत ही हेल्प होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो के ऊपर एक लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलती है अगली वीडियो में।